Hey guys, welcome to my new vlog. सबसे पहले आप सभी को आका अली सलातो सलाम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी दुनिया खुशियां मना रही है। आज है 18 तारीख, इंडिया में 16 तारीख को आका की आमद की खुशियां मनाई गई और जो तारीख थी वो 16 तारीख थी 12 रबी अव्वल शरीफ की, लेकिन मुंबई में किसी सिचुएशन की वजह से परमिशन नहीं मिली, इसके लिए आज जुलूस निकाला जा रहा है। तो अभी तो मैं रेडी हो गया हूँ और मैं पहली बार मुंबई में जुलूस ईद मिलादुन्नबी कवर करने वाला हूँ। मैं सिर्फ सुनता था कि बहुत ही अच्छा होता है और जो भी हो आज आपको भी दिखाऊंगा और मैं खुद भी देखने वाला हूँ मुंबई में कैसे जुलूस ईद मिलादुन्नबी निकालते हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और मेरे साथ कोई है भी नहीं, आज अकेला ही हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा। आका कियामत की खुशी है, ये तो हम सब के लिए सबसे बड़ी ईद का दिन है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है आज की। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, घर से तो मैं बाहर निकल चुका हूँ बट बाकी का जो जुलूस है ना इधर आगे निकल चुका है और मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊँ कहाँ और किसके साथ जाऊँ। दोस्तों को फ़ोन लगा रहा हूँ बट उसका फ़ोन लग नहीं रहा है, शायद मैं किसी जुलूस के साथ शामिल हो जाऊँगा और उसके साथ में मैं दरगाह तक जाऊँगा। ये जुलूस त्रिकुंडा दरगाह तक जाता है, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। क्राउड है, देख रहे हो आप आगे पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, ये सिर्फ सरकार की आमद की खुशी है। गाइस, मुझे लगा था कि मैं जुलूस में शामिल भी नहीं हो पाऊंगा बट ये सरकार की मोहब्बत है मेरे भाई, देख रहे हो इतना क्राउड है। सरकार की आमद की खुशी है, जो मिल जाता है वो अपना भाई है। मैं पहली बार मुंबई में हूँ और जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में शामिल हूँ। ये देख रहे हो भाई पब्लिक का क्राउड, मुझे बहुत दूर तक जाना है, चल चल के मैं थक गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं? आज के दिन छुट्टी नहीं लिए ज्यादा भाई? अच्छा तो ज्यादा अर्जेंट था ना, क्या बोले बाकी सर? अरे कोई नहीं, आज मूड खराब हो रहा है बता, वो तो किस्मत से पहले बंदे आप जो आपसे मिल रहा हूँ सच में। हेलो 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 हेलो, कहाँ भाई साहब इतनी जल्दी में, कब से फोन लगा रहा हूँ भाई, फोन स्विच ऑफ, मेरा पूरा मूड खराब हो गया आज, अगर जुलूस में नहीं शामिल हो पाता ना पूरा मूड खराब हो जाता मेरा। चलो भाई, पता है मैं एक घंटे से खड़ा हूँ जुलूस में, कई जुलूस आगे निकल गया पता है। मैं क्या हुआ अभी होते, अरे फोन लगा रहा हूँ यार, सबका सुई जब साहिल है नहीं, आर्यन खा नहीं रहा है फोन, क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब, मैं किसके साथ जाऊँ, गाड़ी भी नहीं, वो वाली गाड़ी खराब पड़ी है वहाँ पे लगी है, वो गाड़ी आर्यन लेके गया बगमैन, मैं करूँ तो क्या करूँ। किस्मत से तुमने मेरे को कॉल कर दिया अभी पता है, तो आके मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, नहीं तो मैं ये मकवाना के पास ही घूम रहा था जुलूस में। अच्छा, इसी बस थोड़ी देर में घूम के आ जाते थे। हाँ, कहाँ जाता मैं भाई अकेले बराबर पैदल, वो भी भाई सबके पास गाड़ी, कोई ऑटो में जा रहे कोई रिक्शे में जा रहे, जुलूस फटाफट निकल जा रहा है आगे, मैं कहाँ जाता। चलो फिलहाल निकलते हैं।
ट्रैफिक है यार, डेढ़ घंटे के बाद हम लोग ट्रैफिक से निकले। पीछे देख रहे हो भाई, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। आगे देख रहे हो, वहां तक जाम है भाई। बहुत सारा जुलूस तो है, अलग अलग एरिया का आगे निकल चुका है। हम लोग तो अभी पीछे ही है भाई, देख रहे हो। धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी आ रही भाई, मेन क्राउड तो अभी आ रहा है, बहुत ट्रैफिक हो जाएगी। अच्छा हम लोग आगे निकल गए भाई, गाड़ी इधर ही साइड में कहीं पे खड़ी कर दो, आगे जगह नहीं है, उधर ही आगे लगा दो साइड आगे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पिरकुंडा दरगाह। गाड़ी हम लोगों ने बाहर लगा दिया है, ये है दरगाह भाई। विरार का जितना भी जुलूस है सब यहीं पे आके रुकता है, और फातिहा और सलाम होने के बाद सब अपने अपने घर जाएंगे वापस। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल, या रसूल। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल, या रसूल। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल, या रसूल। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। मरहबा मरहबा लंगर चालू है क्या इधर? थोड़ा दस्तरखान बड़ा कर, कुछ मैसेज बढ़ाओ, मैसेज दस्तरखान बहुत बड़े भाई, जेबी में पानी। गाइस आज का जुलूस बहुत ही अच्छा था। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि आज भी आका की मोहब्बत लोगों के दिल में जिंदा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था भाई आज का। मुझे तो लगा था कि पता नहीं मैं शामिल हो पाऊंगा या नहीं, बट बहुत सारे लोग मिल गए थे भाई। आशिके रसूल जिंदा है आज भी भाई हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में यार, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि हम सब भाइयों को ऐसे ही आका की मोहब्बत दिल में हमेशा जब तक सांसें बाकी हैं बरकरार रहे। करते हैं फिलहाल ब्लॉग का एंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।